हम आई बिग बॉस में गनी से ओकरे बाद भोजपुरी के कहूं जाते नहीं थे, टैलेंट रहता न जाइए। नमस्कार प्रणाम, मैं समर प्रताप सिंह मगहिया जवान से, और इस वीडियो को आप मगहिया जवान पेज पे ही देख रहे होंगे। ये अभी कुछ देर पहले आप जो वीडियो देखे खेसारी लाल यादव का, उसमें ही बौखला रहा है, मतलब इस चीज का उसको घमंड है कि अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव के बाद भोजपुरी से कोई बिग बॉस में गया ही नहीं। अरे यार क्या है बिग बॉस, हाँ तुम चले गए क्या उखाड़ लिए, अक्षरा सिंह चली गई क्या उखाड़ लिए। अरे तुम सबसे बढ़िया तो बिहार का उलाल दीपक ठाकुर था जो जाके और दूसरे नंबर पे आया था। कितना दिन रहे बिग बॉस के रूम में भाई, हैं? वहाँ जाके भी गवारपंथी दिखाए हो, लोग पूरा बोला, जितना भी लोग बिग बॉस में था सबका साफ तुमको ही ब्लेम कर रहा था कि यही रहने लायक नहीं है, निकल के आ गए सबसे सॉरी सॉरी बोल के कि मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। क्या उखाड़ लिए है अक्षरा सिंह जाके, क्या उखाड़ ली, कोई ऐसा काम किया हो बिग बॉस में जाके जिससे हम लोग को लगे कि ना भाई सही में गर्व करने की बात है। एक आध काम ऐसा करते हो जैसे कल वो काम था तो दू गाना बढ़िया म्यूजिक सेक्शन में, यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा था, ओकरा हम बोले कि भाई बहुत बढ़िया गर्व महसूस हो रहा है कि छठ का गाना यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, उसी टाइप से कुछ बिग बॉस में कर देते। और भोजपुरी का कौन ऐसा कलाकार था जो तुमको सपोर्ट नहीं किया था, हर कोई बड़ा सपोर्ट जिसको तुम टारगेट कर रहे हो वो आदमी भी अपने पेज से लाइव आके बोला है कि खेसारी को सपोर्ट करो, हमारा भाई भोजपुरी इंडस्ट्री से गया है। और तुम ही तो बोलते हो ना यार कि पूरा भोजपुरी के लोग सब लोग अगर मिल जाए और अगर कोई किसी का बड़ाई निचाई नहीं करे, सब लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ाई ही करे तो हमारा भोजपुरी बहुत ऊपर तक जा सकता है, और आज तुम ही इस टाइप का किसी का टांग खींच के और उसका निचाई कर रहे हो। लेकिन निचाई तुम्हारा जानते हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, उस आदमी को आज से तोर से पहले 50 बार ओकरा बिग बॉस से ऑफर आ चुका है, और उस चीज को वो कैमरे के सामने देखो क्या बोला है। जी जी बहुत साल पहले से ऑफर आ रहा, लेकिन कुछ भाइयों ने बोला कि भैया क्यों जाएंगे। दिख गया, अरे कोई आदमी बिग बॉस में जाके वहाँ पे बक्ति करके जानते हो नहीं जीत सकता है, अगर जीत सकता है ना तो जानते हो कौन जीत सकता है, तोरेनियन बक्त आदमी। लेकिन तू जब हार सकता है तो फिर कोई सभ्य आदमी अच्छा आदमी जाके कैसे जीत सकता है भाई, तुम ही बताओ ना, हैं? तुम ही बोलते हो ना। कोई हिंदी फिल्मों से ऑफर आया आपको? हाँ आया था, लेकिन छोटा रोल के लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं बड़ा रोल करना चाहता हूँ इसलिए मैंने नहीं किया। जब छोटा रोल के लिए तू बना ही नहीं है तो फिर काहे लग गया था बिग बॉस में? बिग बॉस में बहुत बड़ा बड़ा चेहरा नहीं आता है, जो एक आध साल में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है ना वही उसको बुलाया जाता है बिग बॉस में, वही लोग को जो एक आध साल में भयंकर वायरल होते हैं। तो तू एक आधे साल वाला आदमी था हो जो बिग बॉस में गया था, और आगे क्या बोलता है ये सुनिए। हमें मैं नरक का राजा पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर बनना मुझे पसंद। नरक का राजा पसंद करते हैं खुद को बनना, स्वर्ग का नौकर नहीं। लेकिन इनका बहुत सारा गाना है बॉलीवुड में जो एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक पे बज रहा है, और ये ठुमका लगा रहे हैं वही वाला चमका वाला से होई वाला, समझे? तो ये सिर्फ बोलने का है, लोगों को ज्ञान पेलने का है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं, कोई नहीं चलता है, समझ गए? तो बिग बॉस में ऐसा नहीं है कि लोग को ऑफर नहीं आया है, चाहे भोजपुरी का कोई भी कलाकार रहे, और जितना भी कलाकार है बहुत ऊपर लेवल तक जा चुका है, तो भाई एक अकेले तुम और एक अकेले अक्षरा सिंह और कचरा सिंह नहीं है, तो इस पर घमंड करना बंद करो और भोजपुरी के सारे लोग मिल के एकता बनाओ और भोजपुरी को आगे बढ़ाओ। बाकी समझना होगा तो समझ सकते हो, बाकी नमस्कार प्रणाम, जय मगध जय।